नमस्कार, किरण माहेश्वरी कुकिंग एक्सपर्ट .com में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हमारे पास केले बच जाते हैं और पक जाते हैं, इन्हें कोई भी नहीं खाता, इसी से आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाकर बताऊंगी। केले से रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आप तीन केले ले लें। मेरे पास तीन बचे हुए थे, मैंने तीन केले लिए हैं, इन्हें आप छील लें। मैंने तीनों केलों को छील लिया है। अब आप इसके टुकड़े कर लें। अब आप एक ग्राइंडर जार लें, उसमें ये केले के टुकड़े डाल दें। और इसका पेस्ट बना लें। मैंने केले का पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं एकदम फाइन पेस्ट बना है। केले के पेस्ट को आप मिक्सिंग बाउल में ले लें। अब आप आधा कप गेहूं का आटा ले लें, ये नॉर्मल आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। केले के पेस्ट में आप थोड़ा थोड़ा डालें, एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। फिर से आप थोड़ा सा डालें और इसे मिक्स करते जाएं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इतना सा आटा बच चुका है, इसे आप साइड में रख दें। अब आप इसमें दो छोटे चम्मच शक्कर डाल दें, क्योंकि पके हुए केले वैसे भी बहुत मीठे होते हैं, शक्कर उस अकॉर्डिंग डालें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। गोल को आप ना तो ज्यादा गाढ़ा रखें ना ही ज्यादा पतला रखें। अब इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल दें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप एक पैन लें और उसे गैस पे रखें, इसमें कुछ बूंदे ऑयल के डाल दें और इसे अच्छे से फैला दें। पैन को हल्का गर्म होने दें। पैन हल्का गर्म हो चुका है। अब आप एक चम्मच लें बड़ा और उसमें बैटर भरें और पैन में डालें और इसे हल्का सा फैला दें। इसके ऊपर काजू के पीसेस रख रही हूँ, मैंने काजू के टुकड़े कर लिए थे। आप इसके बगैर भी तैयार कर सकते हैं। पैन को आप कवर कर दें और इसे एक मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पे बनने दें। पास्ते को सीखते हुए एक मिनट हो चुका है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए ये अच्छे से घूम रहा है। अब आप इसे धीरे से पलट दें। और दूसरी साइड भी अच्छे से सिकने दें। दूसरी साइड भी हल्का सा सिक चुका है, मैं इसे पलट देती हूँ फिर से। देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है इसमें। आप इसे प्लेट में निकाल लें। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसी तरह बाकी का नाश्ता भी तैयार कर लें। मैंने सारा नाश्ता बना लिया, आप इसे चिल्ला भी बोल सकते हैं, पके हुए केले का। बहुत ही हेल्दी, जितना खाने में टेस्टी होता है ना, उससे कहीं ज्यादा यह हेल्दी बनता है। आप भी बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें।